हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्षिता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत टाइम से मुझे इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, पर किसी रीजंस की वजह से वो टॉपिक डिले हो गया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मसल स्ट्रेन हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, क्योंकि हम लोग बहुत सारा टाइम लैपटॉप्स पर निकालते हैं, बहुत सारा टाइम हम मोबाइल पर निकालते हैं, तो हमारी नेक और बैक में स्टिफनेस हो जाती है कई बार, और कई कभी कभी इतना सीवियर हो जाता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करते हैं, तो ये इतना सीवियर हो जाता है कि उनकी पढ़ाई के साथ भी इंटरफेयर करता है, या जिन लोगों का ऑनलाइन ऑफिस चल रहा है उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबे टाइम तक उन्हें लैपटॉप के सामने बैठने की वजह से परमानेंट बैक एक्स रहने लग गए हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूँगी जो आपको हेल्पफुल प्रूव हो सकती हैं, एंड होपफुली ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको जो भी आपका ये इशू है इसके अंदर आराम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जिसको हम कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है कि जो भी हम कुछ भी करते हैं, जैसे हम बैठे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ को करने का एक पॉस्चर होता है, जिस पॉस्चर की वजह से हमें इंजरी मिनिमाइज हो जाती है, डिस्कम्फर्ट मिनिमाइज हो जाता है, फटीग जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, और ज़्यादा कंफर्टेबल वे में हम लंबे समय के लिए काम कर सकते हैं। इस स्टडी को अर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। तो अर्गोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली फर्नीचर जो होता है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। आजकल मार्केट में ऐसे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं फर्नीचर के, जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, जो कि अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है, यानी कि उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो मैक्सिमम कम्फर्ट प्रोवाइड करें, मिनिमम इंजरी और डिस्कम्फर्ट दें। तो सबसे पहली टिप मैं आपको यही देना चाहूँगी कि जो भी आपका जगह है, जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप बैठ के अपना काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, या फिर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसे अर्गोनॉमिकली चेक कर लें। या तो आप ऐसा फर्नीचर अक्वायर करें जो आपको रिलीफ दे, अर्गोनॉमिकली आपके लिए परफेक्ट हो, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपके जो स्क्रीन की लेंथ है, आपके यू नो हाइट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो बना हो, या फिर आप अर्गोनॉमिक्स के ऊपर आपको बहुत डेटा मिल जाएगा ऑनलाइन भी, तो आप उसे देखकर अपना जो भी आपने सिटिंग एरिया बनाया है जहाँ पे आप पढ़ते हैं या फिर ऑफिस का काम करते हैं, उसको उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करें कि वो आपको मैक्सिमम कंफर्ट दे और मिनिमम डिस्कम्फर्ट दे। तो सबसे पहली चीज़ अपने जो भी स्ट्रेन है उसको रिलीव करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो है अर्गोनॉमिक्स को अप्लाई करना इन योर डेली रूटीन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं इज़ करेक्टिंग योर पॉस्चर। अब मोस्टली जो ये इश्यूज आते हैं बैक के, नेक के, ये रॉन्ग पॉस्चर की वजह से आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी बैक जो है उसको स्ट्रेट रखना है वाइल स्टडिंग। तो इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप ऐसा सोचिए कि आपके जो शोल्डर है, जो आपका जो नेक लाइन है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है टूवर्ड्स द सीलिंग, और आपने उस लाइन में अपने आप को अलाइन करके बैठना है, सीधा होके बैठना है, ताकि जो आपकी बैक है वो बहुत ज़्यादा मुड़े नहीं या आप बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड करके ना बैठें। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए इस तरीके से बैठते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो कुशन अवेलेबल होता है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और यही स्वेलिंग आपको पेन्स की तरह, डिस्कम्फर्ट की तरह फील होती है। तो पॉस्चर चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आएगा अपने इस डिस्कम्फर्ट के अंदर। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ आइस। आइस जो है यूजुअली स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपकी एक घंटे मतलब एक दिन की 8 घंटे की सिटिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आपको जो भी आपका अफेक्टेड एरिया, जैसे आपको नेक में स्टिफनेस हो रही है या आपको बैक में पेन हो रहा है, तो उस एरिया में आप थोड़ा सा आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैक क्या करेगा कि उस एरिया की जो भी स्वेलिंग हो गई है ड्यू टू योर पॉस्चर और डिस्कम्फर्ट, वो उसको मेलो डाउन कर देगा, एंड देन व्हेन यू रिज्यूम, जब आप अपना पढ़ाई या अपना काम स्टार्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा आपको करना, क्योंकि वो स्वेलिंग कम हो जाएगी उस एरिया में। तो हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप आइस पैक को रिपीट कर सकते हैं, या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका कम्फर्ट बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तीसरी नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, फोर्थ चीज़, वो ये कि आपको अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो योगा के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉस्चर्स हैं जो हमारी बैक को स्ट्रेंथन करते हैं। जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो है भुजंगासन।
भुजंगासन करने से आपकी जो बैक है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है और आपको जो लॉन्ग आवर्स हैं सिटिंग के उसके लिए वो इक्विप करती है, आप इजीली उसको एंड्योर कर पाओगे। अगर आप इस तरह का जो ये बैक को स्ट्रॉन्ग करने वाले पोस्चर्स हैं, आसन्स हैं, इनको प्रैक्टिस करते हो, तो योगा भी इनकॉर्पोरेट करना अपने दिन में। जैसे अगर आप 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें अगर आप 10-15 मिनट्स भी इस तरह के आसन्स इनकॉर्पोरेट करेंगे वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि और क्या चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। मसाज काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आफ्टर अ डे ऑफ योर वर्क, जब आपका पूरा दिन का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद नेक या बैक की मसाज अगर आप करते हैं वो भी उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। और जब जब जैसे ही वहाँ पे ब्लड आएगा तो ब्लड जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस एरिया के अंदर जो भी स्वेलिंग है या जो भी स्ट्रेन है उसको कम करने में, उसको रिड्यूस करने में मसाज आपकी हेल्प करेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी और जो भी आप स्ट्रेन या पेन्स फील कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो हो गया कि हम स्ट्रेन को अवॉइड करें, दूसरा हो गया कि मसल को भी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि दोनों चीज़ें जब हम साथ साथ करेंगे तो हमें मैक्सिमम कम्फर्ट मिल सकता है। तो मसल की स्ट्रेंथ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपको लेने हैं, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है विटामिन B12 एंड फाइनली वाटर। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो भी आपकी मसल की जो हेल्थ है वो बहुत वीक होती है, तो इंश्योर करें कि आप 8 से 10 ग्लासेस वाटर हर रोज़ पी रहे हैं। नट्स एंड सीड्स को कंज्यूम करें हर रोज़, इसके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा, ये आपके ओमेगा 3 रिच भी होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ B12 लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ज़्यादातर सुना होगा किसी को भी कोई मसल का इशू होता है तो उसको B12 सप्लीमेंटेशन रिकमेंड की जाती है, तो आप उसे एज अ प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। आप अपने B12 लेवल को चेक करवाइए और अगर आपको ऐसा मिलता है रिपोर्ट के अंदर कि आप डेफिशिएंट है तो B12 की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कीजिए। ये भी आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देने में बहुत बहुत हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपको इंजरी या स्ट्रेन कम होता चला जाएगा। अब कुछ ऐसे फूड्स मैं आपको बता देती हूँ जो स्वेलिंग कम करेंगे, क्योंकि आप इतनी देर तक लॉन्ग सिटिंग आवर्स में आप बैठे हैं और जो पोस्चर है या जिस भी वजह से आपको वहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो क्या ऐसे फूड्स हैं जो उसको कम करेंगे। जितने भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है, ये सारे के सारे इस स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। तो कॉमन एग्जाम्पल्स कौन से हैं, विटामिन सी के जो कॉमन सोर्सेज हैं, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आपके विटामिन सी के सोर्सेज हैं। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, पपाया, मैंगो, कीवी बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी पे मैंने डिटेल वीडियो भी किया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे उसको ठीक से देख सकते हैं कैसे एब्जॉर्प्शन करनी है और किस चीज़ के लिए काम आता है। विटामिन ए इक्वली इफेक्टिव है, विटामिन ए आपको जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे मिल जाएगा। आपका स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छा सोर्स है, कैरेट्स, पम्पकिन बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा विटामिन ई जितने भी आपके नट्स एंड सीड्स होते हैं उनके अंदर इजीली अवेलेबल होता है। विटामिन ई भी बहुत इफेक्टिव है आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ओमेगा 3 भी बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। ओमेगा 3 भी आपको आपके नट्स एंड सीड्स से बहुत ईजिली मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्क्यूमिन, जो कि टर्मरिक यानी कि हल्दी में पाया जाता है। हल्दी दूध मैंने ऑलमोस्ट मुझे लगता है अपने हर वीडियो के अंदर रिकमेंड किया है, तो आप हल्दी दूध भी ले सकते हैं, वो भी आपके जो भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में है, चाहे नेक में चाहे बैक में, उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने डे टू डे डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए। और अगर ये टिप्स आपको यूज़फुल लगी हों तो इनको शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा यूज़फुल कंटेंट डालती रहती हूँ, जो भी आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में वीडियोस बनाती रहती हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।